कोडरमा में बेहतर सड़कों का नेटवर्क न सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर की दूरी को कम कर रहा है, बल्कि गांवों से शहरों की नज़दीकियां भी बढ़ रही हैं। रघुवर सरकार के प्रयास से सड़कों के बेहतर कायाकल्प से लोगों की जिंदगी आसान हो गई है और उनका कारोबार भी फल फूल रहा है। रघुवर सरकार के प्रयासों से कोडरमा में सड़कों का जाल बिछाया गया है। बात गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क की हो या फिर एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने वाली सड़क की, बेहतरीन सड़क से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो गई है। जिन इलाकों में कभी गड्ढे हुआ करते थे, उनकी जगह अब चमचमाती सड़कों ने ले ली है। सड़क बनने से एक जिले से दूसरे जिले की दूरी भी कम हो गई है। पहले बहुत जर्जर थी, जाने जाने बहुत तकलीफ रहता था और आदमी के घूम फिर के जाना पड़ता था बड़ी होते हुए। अभी यही फायदा हुआ कि 10 या 12 किलोमीटर का बचत हुआ, रोड भी ठीक है। पहले 1.5 घंटा लग जाती थी, अब 1 से 1.25 घंटा में चौपारण हो जाते हैं। पहले कोडरमा से हजारीबाग के चौपारण जाने में 1.5 घंटे लगते थे, लेकिन अब ये दूरी घंटे भर से कम समय में पूरी होती है। ग्रामीण इलाकों में भी सड़कों की स्थिति में व्यापक सुधार आया है, निपटाने में आसानी हो रही है। हाँ, लाभन मिल रहा है, जब रोजी रोजगार चल रहा है। वही परेशानी था कि थोड़ा मिट्टी उट्टी लगता था। अच्छा। और पैदल चलना था। अच्छा। अब बन गया तो क्या? बन गया तो वही तन आराम से तन जाने आने का सुविधा हो गया है। सड़क किनारे व्यवसाय करने वालों को भी सड़कों के बेहतर नेटवर्क का लाभ मिल रहा है। शहर से सामान लाने में समय और पैसे दोनों की बचत होती है। जैसे कि 2 घंटा काम अब 1 घंटा हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद इस रोड को जो से पांडे वाला चौपारण खोदे थे, बहुत लंबा जोड़ रहा है, जो कुछ लोग उस रोड में मेन रोड होते हुए NH33 जो जाती थी, उससे इसमें आने से बहुत से लोग इसमें बहुत मतलब ज्यादा संख्या बढ़ गई इसमें आने जाने वाले को। किस तरह का रोड बना है? रोड तो बहुत अच्छी बनी है। कस्बे से लेकर गाँव तक और गली से लेकर हाईवे तक बेहतरीन सड़कें बनने से कोडरमा तरक्की की राह पर है।